हेलो आई एम डॉक्टर सरस्वती अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा टुडे वी विल डिस्कस द रिडक्शन रिडक्शन चैप्टर हमारे ये पेपर थर्ड के यूनिट थर्ड में है रिडक्शन प्रोसेस से पहले हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस किया ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमने किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और किसी भी कंपाउंड्स का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को किया रिडक्शन प्रोसेस को हम इसके बारे में बताएं तो द टर्म रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली रेफर्स टू इंक्रीजिंग द हाइड्रोजन कंटें और द डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द सब्सट्रेट कोई भी केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक रिएक्टेंट किसी भी रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स उपस्थित होते हैं उनमें एक बंद पाया जाता है जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं और इस पूरी रिएक्शन प्रोसेस में बहुत से बंद टूटते हैं और कुछ नए बंद बनते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है और वी कैन से दैट द रिएक्शन इनवोल्व ए हाफ रिएक्शन विच ए केमिकल स्पीसीज डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर यूजली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स

तो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन कंटेन इंक्रीज हुआ है उसी प्रकार से कार्बोक्सलिक एसिड इनका रिडक्शन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड्स बन रहे हैं इसमें ऑक्सीजन कंटेन कम हुआ है तो ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस है और एल्कोहल्स इनको हम रिडक्शन करते हैं तो हमको हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं सिमिलरली इसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट कम हुआ है यानी कि रिडक्शन प्रोसेस हुआ है तो कोई भी रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं कि रिडक्शन एनी ऑफ ए क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद एन एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम इज़ इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय द सब्स्टांसिज रिड्यूस्ड आर सप्लाइड बाय अनोदर सब्सटैसेज विच इज देयर बाई ऑक्सीडाइज तो किसी भी कोई भी रिएक्शन है तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन प्रोसेस होता है रिडक्शन यानी कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेन और डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेन, इनका अपोजिट ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट और द डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीडेशन तो दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेसिज होती हैं और यदि एक रिएक्शन में किसी का भी ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है उस रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शंस आर कंप्राइज ऑफ टू पार्ट ऑफ ए रिड्यूस्ड हाफ एंड एन ऑक्सीडाइज्ड दैट ऑलवेज आर द कवर्स टू टू गैदर द रिड्यूज हाफ गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डिक्रीजेज वाइल द ऑक्सीडाइज्ड हाफ इंक्रीजेज एंड द ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी ऑक्सीडाइज हाफ लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज अब हम इस इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस जो जनरली कैरिड आउट होती है

जिसमें कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है हाइड्रोजीनोलिसिस इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद द फिशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटता है और हमको दूसरा हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है ओवरऑल मैकेनिज़्म इज दीज आर थ्री मेन पाथवेज फॉर रिडक्शन इन रिडक्शंस को होने के लिए तीन मैकेनिज्म जनरली आती है कैटेलिटिक एडिशन ऑफ़ द मोलिकुलर हाइड्रोजन बाय द ट्रांसफ़र ऑफ़ हाइड्राइड आयन एंड द बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बाय द कैटेलाइज एडिशन ऑफ़ मॉलिकुलर हाइड्रोजन इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि एल्कीन एल्कीन में क्या है कि प्रोपीन लेते हैं तो प्रोपीन के रिडक्शन में हमें प्रोपेन प्राप्त होता है बाय द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक निकल पैलेडियम और हमें कंपाउंड्स रिड्यूस्ड कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं सिमिलर वे में यदि ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन जो कि बहुत से रिएजेंट हैं हम उनके द्वारा ए एल एच ओर हाइड्राइड आयन इससे हमें कीटोन्स में ट्रांसफर होता है और हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में ले रहे हैं और हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होने से या इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंटें होने से रिडक्शन प्रोसेस आती है थर्ड इज द बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन को दो पाथवेज के द्वारा किया जा सकता है पहला है इसमें फॉलोड आइदर बाय द अपटेक ऑफ प्रोटोन एज एन रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन बाई सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इसमें लिक्विड अमोनिया में हम करवाने पर हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाता है और हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है एंड नेक्स्ट इज द कपलिंग इन विच द रिडक्शन इज टेक्स प्लेस कपलिंग एज एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू पीनेकोल्स हमको पीनेकोल्स कीटोन्स का जब करवाया जाता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है उस केस में पिनेकॉल प्राप्त हो रहा है तो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएजेंट्स द पोटेंशियल चार्ज ऑफ एन एटम इन इट्स आयोनिक स्टेट इफ़ एन एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इन ए रिएक्शन इट्स रिड्यूज इफ एन एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर इनक्रीजेज इट इज ऑक्सीडाइज सिंपल है जिसमें कि वैन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दीज आर बैलेंस्ड कैमिकल रिएक्शंस अलग अलग कंपाउंड्स के रिडक्शन प्रोसेस को देखने के लिए एग्जाम्पल के साथ में किया जाता है जहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित होता है और सामान्यतया कोई क्रियात्मक समूह नहीं उपस्थित होता है एल्केस में कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंद पाया जाता है या सेचूरेटिड कंपाउंड्स होते हैं एल्किन्स कैन बी रिड्यूस्ड ओनली रपचरिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स रिड्यूसिंग एजेंट्स आर नॉट नॉर्मली सफिशियंटली पावरफुल टू ब्रिंग इट अबाउट एन कंट्रास्ट टू ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स सो हाउ एवर इन केस ऑफ शॉर्ट रिंग कंपाउंड्स लाइक द स्ट्रेंड साइक्लिक कंपाउंड सच एज साइक्लोप्रोपीन एंड साइक्लोब्यूटीन

प्राप्त होता है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कम्पाउंड एंड ऑन द रियजेंट यूज वेरियस रिंग्स में बी ओपनड और चेंज इन साइज देन रिडक्शन ऑफ एल्किन्स एल्किन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है एल्कीस का हाइड्रो रिडक्शन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जैसे कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन या हम और प्रोसेसेस काम में ले सकते हैं इनके लिए डाई डाइमाइड मेथड्स और हाइड्रोपोरेशन वन बाय वन वी विल डिस्कस द कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन में एल्किन्स आर रीडली हाइड्रोजनेटेड अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटेलिस्ट द कैटलिस्ट यूज कैन भी डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड क्लासेज जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है उनको दो मेजर क्लासेज में कैटेगराइज किया गया है बोथ ऑफ विच मेनली कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड दियर कंपाउंड फर्स्ट इज द हिट्रोजीनियस कैटेलिस्ट एंड सेकेंड इज द होमोजीनियस कैटलिस्ट हीट्रोजीनियस कैटेलिस्ट दैट इज द कैटलिस्ट इन सोलबल इन द रिएक्शन मीडियम फॉर एग्ज़ाम्पल रेनी निकल पैलेडियम ऑन चारकोल एन ए बी एच फोर रिड्यूज निकल जिसमें निकल बोराइड लिया जाता है प्लेटिनम मेटल और ऑक्साइड रोडियम रूथेनियम एंड जिंक ऑक्साइड ये सभी हिट्रोजीनियस कैटेलिस्ट कैटेगरी में आते हैं और होमोजीनियस कैटेलिस्ट दैट इज कैटलिस्ट सोलबल इन रिएक्शन मीडियम फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लोरोट्रिस ट्राएफिनाइल फॉस्टीन रोडियम क्लोराइड आर एच सी एल और पी एच थ्री पी का होल्थ्राइज जिसे हम विल्किसन केटलिस्ट भी कहते हैं क्लोरोट्रिस्ट ट्राएफिनाइल फोस्फिन हाइड्राइडोरुथेनियम टू और द पेंटा साइनो कोबाल ये सभी हिड्रो होमोजीनियस कैटलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं जो कि रिएक्शन मीडियम में सॉलेबल हो जाते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट ऑफन हैव द एडवांटेज ऑफ बेटर कैटलिस्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड बेटर सेलेक्टिविटी दे आर लेस असेप्टेबल टू कैटेलटिक पॉइजनिंग वेयर Heterogeneous catalysts are usually poisoned by a small amount of sulfur, often found in rubber stoppers or sulfur containing compounds such as thiols and sulfides. However, heterogeneous catalysts are usually easier to separate from the reaction mixture. So, we will discuss the catalytic hydrogenation. हिटेरोजीनियस कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन इसमें अधिकतर जो काम में लिए जाने वाले केटलिस्ट हैं दीज आर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम एंड पैलेडियम आर अफेक्टिव एट रूम टेम्परेचर जनरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स जो होता है वो रिड्यूज ऑन दीज कैटेलिस्ट एट रूम टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट एटमोसफियर और द स्लाइटली इंक्रीज प्रेसर फॉर एग्जाम्पल मेलिक एसिड गिव्स द सक्सेनिक एसिड इन नाइंटी एट परसेंट ईल्ड इन थर्टी मिनट्स ऑन प्लेटिनम एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन एटमोसफरिक प्रेसर इसी प्रकार से रेनी निकल को काम में लिया जाता है वो स्लाइटली लेस इफेक्टिव देन प्लेटिनम और पैलिडियम मोस्ट एल की हाइड्रोजोनेटेड ओवर रेनी निकल एट अबाउट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज अप टू थ्री एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं द रेट ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑलिफिनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड एट रूम टेम्परेचर एंड एटमोसफरिक प्रेशर जो होता है उसमें यदि टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो प्रिफरेबली रहता है देन द इन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन चेन और ए सिंगल रिंग डबल बॉन्ड ओ ओ ओलिफिनिक बॉन्ड जो है वो प्रिफ्रेंशियल में रहता है वैन द एल्किस इज ऑफ द टाइप आर टू सी डबल बॉन्ड सी आर टू अर्थार्थ कार्बन से एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं देन हाइड्रोजनेशन अंडर द अबॉव कंडीशन इज डिफिकल्ट ट्राई सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड्स रिक्वायर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड हंड्रेड एटमोसफेरिक प्रेशर वाइल्ड टेट्रा सब्सिट्यूटेड ओलिफिन्स डबल बॉन्ड्स में रिक्वायर्द टू सेवेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड हंड्रेड वन थाउजेंड एटमोसफरिक प्रेशर इन डबल बॉन्ड्स में बहुत अधिक डिफ़िकल्टीज जो आती हैं वो है टू हाइड्रोजनेट और विच कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड एट ऑल आर द दोज कॉमन टू टू रिंक्स एज इन द स्टीरोड इस इस्टीरॉयड में हम देख रहे हैं कि इस हमें जो डिफ़िकल्टीज जो आती हैं इनको हाइड्रोजनेशन में इस स्टेरॉयड में स्टीरियो केमिकली रिडक्शन इज इस हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव गिविंग प्रीडोमिनेंटली सिस ये जो एल्कीन है जिसमें कि डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड है या डबल बॉन्ड के जुड़े हुए कार्बन से एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए होने के कारण यदि प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है तो सिस प्रोडक्ट डोमिनेंटली या अधिक मात्रा में प्राप्त होता है इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 80 परसेंट हमें सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है वेयर वी यूज द पैलेडियम वी विल सी इन दिस रिएक्शन वेन पेलेडियम इज यूज हावेवर द ट्रांस प्रोडक्ट प्री डोमिनेंट एंड दिस इज बिकॉज पेलीडियम कैटलिस्ट द आइसुमराइजेशन ऑफ एल्कीन पेलेडियम कैटेलिस्ट को लेने पर एल्कीन में आइसोमराइजेशन हो जाता है और हमें ट्रांस प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होता है इसको हम मैकेनिज़्म के द्वारा देख सकते हैं this can be understood in terms of the following simplified representation हमने ये इसमें रिएक्शन में कैटलिस्ट की सरफेस को शो करते हुए बताया है कि पहले कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ में एक सरफेस कैटलिस्ट बनाता है जो कि एल्कीन के साथ में बॉन्डेड हो रहा है और एल्कीन के साथ बॉन्डेड होने के साथ ही साथ उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंजमेंट होने के कारण स्टीरियो सेलेक्टिविटी आ जाती है एंड वी विल गेट द ट्रांस आइसोमर इन दिस इफ देर इज़ ए रिजिड रिंग सिस्टम द डायरेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन इज फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड ऑलवेज एडिशन इज

वैन द सब्स्टिटूंट हेलोजन इज एक्शियल एक्जियल पोजिशन पर यदि हेलोजन प्रेजेंट है द फिट ऑफ द कैटलिस्ट इज हिंडर्ड ऑन बोथ साइडेड एंड रिडक्शन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ सिस्ट एंड ट्रांस डेकालिन सिस्टम इन कंपेरेबल अमाउंट अनोदर हाइड्रोजन एट मैथड हाइड्रोजनेशन मैथड जो किया जा रहा है यदि दूसरा हाइड्रोजनेशन मैथड लें जिसमें कि ट्रांसफ़र

साइक्लो हैक्जीन से हमें बेंजीन प्राप्त हो रही है और इसमें जो हाइड्रोजन आ रहा है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का जो आ रहा है हाइड्रोजन वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से प्राप्त हो रहा है उस दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है ओवरऑल दैट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिडक इज कॉल्ड द reduction process. Thank you.